हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आगे की क्लास में हम चलें, इससे पहले कुछ रिवाइज कर लें। रिवाइज क्या था, हमने इस क्लास में परसेंटेज की क्लास में दो टाइप्स को कंप्लीट कर लिया है। पहले टाइप में था कि प्रतिशत में वृद्धि करना, ठीक है। दूसरे टाइप में था प्रतिशत में कमी करना, और तीसरे टाइप में है कि लगातार प्रतिशत में वृद्धि या कमी होती है तो उस समस्याओं को, उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो इस तरीके से है, जैसे कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर उसे 20% बढ़ा दिया गया, फिर उसे 30% बढ़ा दिया गया, या फिर उसे 10% घटा दिया गया। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम सॉल्व करना शुरू करें, हम दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो कि मेरे द्वारा लिखी गई कुछ लाइंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो इस तरीके से है, जीवन मेरा हो रास्ता, सांसें मेरी ताकत बने, संघर्ष के इन राह पर धड़कन मेरा साहस बने, जो बन सकूँ ना सुनी तो जुगनू मेरा सौभाग्य हो, टिमटिमाता ही सही परिचय मेरा प्रकाश हो। तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, और ये क्लास हमारी टाइप 3 की होगी। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया है, आर्ष अग्रवाल के एग्जांपल्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन कर लिया है, जिससे कि हमें ये पता चल गया कि अब तक आने वाले सवाल किस तरीके के होंगे। उस सॉल्यूशन से हमें एक ओवरव्यू मिल चुका है, ठीक है। अब हम टाइप वाइज इस परसेंटेज के क्वेश्चंस में, परसेंटेज के चैप्टर्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको टाइप वाइज सॉल्व करेंगे, ओके। तो टाइप वाइज कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो एक संख्या, अगर टाइप 3 क्या है हमारा, लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी, लगातार होगा प्रतिशत वृद्धि होगा या फिर लगातार प्रतिशत कमी होगा। तो एक संख्या को पहले 10% फिर 20% बढ़ाया गया, तो अब संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, तो नंबर एक क्या है, एक संख्या है तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है कि नहीं। तो उसको हम अगर 10% बढ़ा दें, ठीक है, फिर किसी कारण से उसे 10-20% क्या कर दें, बढ़ा दें या फिर से घटा दें, जिस जैसा मन है वैसा हम इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके साथ ये करेंगे कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। ये सारा मेथड तो पहले ही सॉल्व हो चुका है, हम पहले के ही मेथड को, पहले के ही आइडियोलॉजी, हमारे पहले के मेथड जो है उसी को लेके हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक्स का यूज नहीं करेंगे, ट्रिक्स का यूज अगर आपको करना है तो मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन वहीं पे करने दूंगा जहां पे की ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ सकती है, जहां पे आप कंफ्यूज कर सकते हो वहां मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा। लेकिन विदाउट ट्रिक्स परसेंटेज को टोटल फिनिश करना है, पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मेरा क्या है कि एक संख्या को पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया, तो अब संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले संख्या को कितना बढ़ाया गया, 10%, फिर कितना बढ़ाया गया, 20%। अब संख्या में देखना है कि उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कि संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। चलिए मान लेते हैं कि संख्या बराबर 100 यूनिट में मानते हैं हम लोग। हम संख्या को किसी में मानते हैं, यूनिट में मानते हैं। यूनिट लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि हर एक संख्या को हम 100 यूनिट के अनुसार हम बांट सकते हैं, इसलिए हम संख्या को क्या मानते हैं, 100 यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो एक संख्या जो है ये 100 यूनिट है, उसको 10% बढ़ाया गया, फिर अगेन उसको 20% बढ़ाया गया, मतलब कि हम पहले इसको सिंपल मेथड में सॉल्व कर लें। एक अगर है, मान लिया जाए ये क्वेश्चन से हटके है, इसको समझना है, अगर कोई संख्या एक है, अब इस एक को हम कैसे व्यक्त करते हैं, ये एक क्या है अपने आप में, 100% है, कैसे है, देखो एक गुना 100% परसेंट प्रति 100 हो गया। ये दोनों जब कटेगा इसका वैल्यू कितना आएगा, एक ही आएगा। उसी तरीके से अगर 5 है तो ये अपने आप में क्या है, 100% है, ये 5 गुना 100 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा। उसी तरीके से अगर 5 100% ना हो कि 110% होता, तो हम इसको लिखते हैं 5 कितना है, 110%, ठीक है। 5 100% ना हो गया, अगर 110% होता तो हम उसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, हम कुछ देख लें इसमें क्या है।
तो चलिए, तो हम यहां से इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 100 का पहले 10% बढ़ाएंगे, फिर क्या बढ़ाएंगे, 20% बढ़ाएंगे, फिर ओवरऑल देखेंगे उसमें प्रतिशत वृद्धि हुई है या कमी हुई है। किससे तुलना करेंगे, जो संख्या है 100 यूनिट से उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो 100 यूनिट से कैसे तुलना करते हैं, आइए देखते हैं। तो 100 का पहले कितना परसेंट बढ़ाना है, 10%। ये 100 पहले से है, 10% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 110 प्रतिशत बढ़ा दिए। अब ये जो भी परिमाण आया मेरे पास, जो भी इसका वैल्यू आया, बोलता है फिर से अगेन उसको क्या करना है, 20% में बढ़ा देना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अगेन इस पूरे संख्या को, हॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे संख्या को क्या करते हैं, 20% बढ़ा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 120/100। कोई इशू है, बढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों जीरो गया, कितना हो जाता है, 12 12 132। दिक्कत है, कितना हो जाता है, 132 हो जाता है यूनिट। कितना हो जाता है, यूनिट। अब पूछा जा रहा है ये जो 132 यूनिट हो गया ना, इतना बढ़ाने के बाद जो भी परिमाण हुआ वो मूल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तुलना किससे करना है, 100 यूनिट से। ठीक है, इसमें तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि सब पहले ही बता दिया गया है कि किससे तुलना करना है, मूल संख्या से तुलना करना है, मतलब कि 100 यूनिट से तुलना करना है। इसका मतलब क्या बनता है कि 100 से जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिशत वृद्धि होगा, है कि नहीं। क्योंकि 100 से तुलना करेंगे, 100 से तुलना करेंगे 5 का 5%, 100 से तुलना करेंगे 20 का 20%, 100 से तुलना करेंगे 33 का 33 का 33%। कोई दिक्कत है, तो 100 ये कितना बढ़ गया, 32 बढ़ गया ना। तो 100 से अगर तुलना करेंगे इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो 32%, मतलब 32% की इसमें वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 32%, क्योंकि आप सारा बेस आप समझ चुके हो। ठीक है, आपको ज्यादा आप समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे नए हो, हमारे क्लास में नए हो, तो पहले आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में पुराने सारे वीडियोस को देख लें, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रह जाएगा। ठीक है, और टाइप वाइज क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, कि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, फिर कितने परसेंट, फिर 10% क्या हो गया, घट गया है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, तो वृद्धि या कमी हुई है। तो दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, कि एक व्यक्ति का आय है, किसी का भी आय हो, वो अपने आप में कितना प्रतिशत, कितना, 100%। सही बात है, कितना परसेंट होगा, क्यों भाई, 100% ना। तो 100% होता है यहाँ पे, किसी की भी आय, वो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संख्या है, कोई भी वस्तु है, वो अपने आप में 100% होता है। यहाँ तक कि हम कोई काम भी करते हैं ना, उसमें भी क्या कहा जाता है, कि तुम अपना 100% दो, मतलब तुम जितना सक्षम हो उसमें आप तुम अपना 100% योगदान करो। ठीक है, हम सक्षम हैं 4 किलोमीटर दौड़ने में, ठीक है, तो हम 4 किलोमीटर ही दौड़ेंगे ना, तो ये मेरा क्या हो गया, 100% हो गया। अगर हम 4 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ते हैं, ठीक है, और मेरी क्षमता 4 किलोमीटर की ही है, तो क्या हो जाएगा, वो 4 किलोमीटर से एक्स्ट्रा जैसे दौड़े, तो हम 100% से ज़्यादा मेहनत कर दी, उसमें ज़्यादा ताकत लगा दी। ठीक है, और हम 4 किलोमीटर से कम दौड़े तो 100% से कम दौड़े। समझ में आ रही बात, कहने का मतलब क्या है। तो इस व्यक्ति की आय क्या है, अपने आप में 100% है कि नहीं, तो 100% है इस व्यक्ति की आय। मान लेते हैं आय बराबर 100%, इसी 100% जो है इसको हम 100 यूनिट मानते हैं, आपको तो पता है। तो हम 100 यूनिट को पहले 10% बढ़ा देंगे, मतलब इस 100 यूनिट का 10% बढ़ाएंगे, 110/100, 10% बढ़ गया, प्रति 100 प्रतिशत 7 डाल दिए, गुना करेंगे। अब क्या करना है, फिर से 10% इस पर घटाना है, याद रखना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना। पहले क्या किया गया, 10% बढ़ाया गया, नहीं घटाया गया, सॉरी, पहले क्या किया गया है, 10% घटाया गया है, फिर से 10% घटाया गया है, और पूछा जा रहा है कि ओवरऑल इसमें कितना घटा है। ठीक है, पहले हम 10% घटाएंगे, ये 100 यूनिट है, 10% घटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। बढ़ाते थे 10 प्लस करते थे 100 में, घटाएंगे तो 10 माइनस कर लेंगे 100 में, तो ये क्या हो जाएगा, 90/100,
फिर से 10% हम घटा रहे हैं। अब फिर से 10% घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर से 90/100, कोई दिक्कत है। और इस तरीके के क्वेश्चन में जितने बार बोला जाए कि फिर से बढ़ाओ, फिर से क्रॉस कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, फिर से बढ़ाओ, फिर से क्रॉस करके आगे बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम आप लोग ऐसा पहले समझ चुके हो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि पहले ये बढ़ा 100 से घटा 90% हो गया ना, ये पूरा हो गया 100 का 90%, 100 का मतलब गुना 90% हो गया ना। अब बोलता है जो भी बचा है तुम्हारे पास उससे 10% और घटा लो, जो बचा है उसका फिर से 100% से कम कर दिए 90%, क्योंकि जो बचा है वो भी तो अपने आप में 100% होगा ना, ठीक है। तो इसको फिर से 90% कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, 20 खत्म, ठीक है। यहाँ कितना होता है 81, तो हमको पहले वाले से तुलना करनी है ना, तो पहले कितना था 100 यूनिट था, अब कितना हो गया 81 यूनिट हो गया है, तो कितना घट गया है 19 यूनिट घट गया है। 19 यूनिट घट जाने का मतलब क्या होता है, हमको तुलना किससे करना है 100 यूनिट से, तो 100 यूनिट का कितना परसेंट 19 होता है, तो 19% होता है, सिंपल सी बात है। ये सब बात आप पहले ही समझ चुके हो, ठीक है, इसलिए हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप बहुत समझ रहा हूँ। अगर आप, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप हमारी क्लास, इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से शुरू से इंट्रोडक्शन क्लास से लेके उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन उसको करके उसके बाद आप टाइप वन करो, फिर टाइप टू करो, फिर टाइप थ्री में आना, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद आपके पास एक भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कितना प्रतिशत कमी हुआ या वृद्धि हुआ, 100 यूनिट से ये कम हो गया ना, घटाए है ना दो बार, कम हो गया, कितना कम हो गया, पहले 100 यूनिट था, अब कितना बचा, कमी बराबर डायरेक्ट हम लिख देंगे 100-81 बराबर 19% की क्या हो गई, कमी हो गई है, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटा दिया जाता है। इस बार पहले बढ़ाया गया, मतलब पहले हो जाएगा 120/100, फिर क्या किया 10% घटाया गया, फिर करेंगे गुना, 10% 100 से घटेगा 90/100, फिर से तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी हम उसको नोटिस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, तो व्यक्ति की आय फिर से मानेंगे हम लोग 100, तो आय बराबर क्या हो जाएगा 100 यूनिट, कोई दिक्कत, 100 यूनिट है तो उसमें क्या करना है, पहले 20% बढ़ाना है, तो क्या करते हैं 100 यूनिट का 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा बटे 100, और जो भी परिमाण आता है उसको 10% घटा देना है, मतलब ये जो भी आया इसका क्या करना है 90/100, 10% घटा दिए। सेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना आपको, इसको बस सेट कर लेना अपने माइंड में ही, ठीक है। वो कैसे करना है तो पता चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाओ पूरा देखो तभी कोई उपाय। अब इसको करते हैं 100 खत्म, 10 खत्म, 12 × 9 कितना होता है, कितना होता है भूल गए, चलिए करते हैं इसको, 108 होता है, कितना होता है 12 × 9 108 होता है, 108 हुआ, तो ये 100% से वृद्धि हुआ या फिर कमी हो गया। देखो तो पहले का आय कितना था 100, अभी कितना बचता है 108, इसमें वृद्धि हो गया या कमी हो गया, देखिए तो क्या हो गया, तो इसमें क्या हो जाता है वृद्धि ही हो जाता है। तो कितने परसेंट की वृद्धि होती है, तो सिर्फ 8% की वृद्धि होती है, ठीक है। इसलिए वृद्धि बराबर 8%, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम बिना विलंब करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरा, तो चौथा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या है, राम की आय पहले 10% घटी है, फिर कुछ दिन बाद 15% बढ़ गई, तो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। इस बार क्या हुआ है, राम की कुछ आय है, तो आय हम क्या मानेंगे 200%, 100%, आय क्या हो गई, आय बराबर 100% मान लिए। अब क्या क्या बोल रहा है, पहले 10% घटा दी गई है, ठीक है, पहले 100% का क्या करते हैं 10% घटा देते हैं, 10% घटाएंगे तो 90% हो जाएगा 90/100, अब फिर क्या करेंगे 15% बढ़ा देंगे तो 115 हो जाएगा ना, बढ़ाना है ना 100%, 115/100, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये गया ये गया ये गया ये गया, इसको और सॉल्व करते हैं पॉइंट में आएगा, आएगा कि नहीं,
9 बजे 45 का 5, बाकी 4, 9 4 3, बाकी 1, 9 1 10, इतना आता है ना। तो यहाँ पे 10 से 13 अंक के बाद पॉइंट पर आता है, यही हो जाता है मेरा। अब हमको देखना है इसमें प्रतिशत वृद्धि हुआ है या प्रतिशत कमी हुआ है। देखिए तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, देखिए तो इसमें ध्यान से। तो इसमें देखेंगे तो ये 100 यूनिट था, ठीक है, और ये कितना यूनिट निकला है, 103.5 यूनिट, ठीक है। इतना हुआ है, इसमें कितना वृद्धि हुआ है, 3.5 का ही वृद्धि हुआ है। इसमें माइनस प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, जब हम जोड़ सकते हैं तो हम इंक को बर्बाद क्यों करें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यही मेरा आंसर हो जाता है, ओके मित्रों। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, एक दुकानदार पहले माल खरीदते समय 20% ठगता है किसी कस्टमर को। कस्टमर आया उससे, मतलब जब वो खरीदने जाता है तब वो 20% ठग लेता है जो बेच रहा है उससे, फिर जब वो वापस कस्टमर को बेचने लगता है तो उसमें भी 10% ठग लेता है। मतलब 20% का फायदा पहले भी ले चुका है और फिर से 10% का फायदा लेने की तैयारी में है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि उसको कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। इसको हानि होगी कभी किसी जिंदगी में, हर जगह तो यही फायदा ले रहा है, 20% फायदा वहां भी ले लिया, अब कस्टमर को बेचेगा वहां भी 10% फायदा ले लेगा, इसको कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी ये निकालना। हमेशा लाभ ही होगी ऐसे ऐसे केस में। तो देखते हैं, मान लेते हैं कोई माल खरीदा, कोई सामान खरीदा, तो वो कितना कीमत होगा उसका, मतलब कितना कीमत होगा, 100% होगा कि नहीं, 100% होगा। तो 100% था, अगर इस दुकानदार को 100% मिलता तो इसका जो वाजिब इनकम था वही इसको मिलता, ठीक है नहीं। लेकिन ये वाजिब इनकम से ज्यादा लाभ कमा रहा है इस पर, तो देखते हैं क्या है। तो दुकानदार का माल जो खरीदा वो कितने परसेंट में खरीदा, इस 100 यूनिट के में वो खरीदा होगा, लेकिन वो क्या करता है, 20% ठग लेता है, ठीक है, 20% एक्स्ट्रा माल ले लेता है। तो इसके पास अब कितना हो गया, 100 का 20% एक्स्ट्रा लिया ना, 120/100। दुकानदार के पास माल आया इतना, अब जब वो किसी ग्राहक को बेचेगा ना, उसको 10% का घाटा दे देगा, मतलब उससे भी 10% ठग लेगा, ठीक है। ये 10% का और लाभ कमा लेता है, मतलब 110/100। आगे बात समझ गए, बराबर लाभ कमा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, 10 10 10 गया, ये कितना होता है, 132, कोई दिक्कत है, ये आंसर नहीं होगा मेरा। पूछ रहा है लाभ या हानि कितना होगा, तो ऐसे केस में तो हमेशा लाभ ही होगा, ऐसा सबको पता है, ठीक है। इस तरीके के केस में क्या होता है, हमेशा लाभ होता है, हमेशा लाभ होता है, हमेशा लाभ होगा, क्या हो जाएगा, 100 से कितना लाभ हो रहा है उसको, 100 था, मिला कितना, 132, तो कितना का लाभ हुआ, 32 का लाभ हुआ, 32 यूनिट, मतलब कि 32% का क्या हो गया उसको, लाभ हो जाता है, और यही हो जाता है मेरा आंसर। हम आज की क्लास को यहाँ समाप्त करें, इससे पहले कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके। अब शेयर क्यों करना है, क्यों करना है? ये भी एक सवाल है, शेयर क्यों करना है, शेयर इसलिए करना है क्योंकि शेयर करने से क्लास ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि घटता है। किसी ने कहा था, कोई महान व्यक्ति नहीं थे, मेरे ही एक फ्रेंड थे, कि जिसको पसंद आएगा ना तो वो अपने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक कर देगा, शेयर कर देगा। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि जब तक लोगों तक चीज़ें पहुँचेंगी नहीं, वो उसको सब्सक्राइब करना तो दूर, उसे देख भी नहीं सकते। जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक उनको पसंद नहीं आएगा, और जब तक उनको पसंद नहीं आएगा तब तक वो लाइक नहीं करेंगे ना ही सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।